नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख रहे थे ऑब्जेक्टिव रूम में। तो इसमें अभी तक हम लोग 300 के करीब ख़त्म कर चुके हैं, 300 क्वेश्चंस देख चुके हैं। 301 से बात करते हैं हम लोग। फॉर स्टॉक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? फॉर स्टॉक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो आपको याद रखना, ऑटो चक। डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आपका दूसरा, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये थे आपके प्रोफेसर चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो याद रखना, रेफ्रिजरेटरों में। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आपका चार है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये थे आपके रॉबर्ट फेरी, रॉबर्ट फेरी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका पाँच, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो ये आपका मैरॉन नहीं है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, यानी कि इसमें सी ऑप्शन होगा। ठीक, क्वेश्चन है हमारा छठवां, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? अधिकतम जैविक क्षति आपकी गामा किरणों से होती है। किससे? गामा किरणों से। क्वेश्चन है आपका सात, निम्नलिखित में कौन सा पिच्छेपास्टर वायु से वायु वाला पिच्छेपास्त है? तो आपको बता देना है अस्त। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका आठ, क्या है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो याद रखना, रॉन्ट जेन ने, रोएंट जेन ने। क्वेश्चन है आपका नौ, नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो यह आपका INS विराट, INS विराट। क्वेश्चन है आपका दस, वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना, ऑर्विल राइट एंड बिलवर राइट ने। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 11, 311 यानी कि 11, बारूद का आविष्कार किसने किया? बारूद का आविष्कार आपके रोजर बेकन ने किया था। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 12, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार आपके सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 13, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ है आपका सिलिकॉन। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 14, टीका का आविष्कार किसने किया? टीका का आविष्कार आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन है आपका 15, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो ये आपका सिलिका का। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 16, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 17, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 18, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो याद रखना, बृहस्पति। नासा की बृहस्पति संबंधित मिशन का नाम है जूनो। क्वेश्चन है आपका 19, क्या है,
19 अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपकी अहमदाबाद में है। क्वेश्चन है हमारा 20 आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा संजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है बहुमीडिया। क्या कहते हैं? बहुमीडिया कहते हैं। क्वेश्चन है आपका 21 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह को क्या नाम दिया गया था? तो ये था आपका कल्पना फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका 22 उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बक्सा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपका 23 भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? ये थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। डी ऑप्शन 23 में सही है। क्वेश्चन है 24 आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका नाभिकीय ईंधन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 25 भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया था? तो ये था चंद्रयान फर्स्ट दिया गया था। क्वेश्चन है आपका 26 गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर लेप किया जाता है, किसका लेप किया जाता है? तो आपको बता देना है जिंक का। क्वेश्चन है आपका 27 प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो याद रखना खगोलीय दूरी का। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 28 जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है उसका। हमारा 29वां क्वेश्चन है सेकंड के लोकक की घड़ी की काल अवधि होती है 2 सेकंड। क्वेश्चन है हमारा 30 परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र आपका विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन है हमारा 31 क्या है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखना दूरी का। क्वेश्चन है हमारा 32 कटरीना नाम दिया गया है प्रभंजन को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 33 किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? ये थे आपके कार्ल वेंज। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 34 जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो आपको बता देना है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन है हमारा 35 सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 36 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? कांच। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 37 शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 38। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 39। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है, तो याद रखना क्यूसेक, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 40। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं, पदार्थ की तरंगें आपकी दे ब्रोगली तरंगें होती हैं, बी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 41। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है, तो ये आपका तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु गंधक के उत्पादन में आगे है। क्वेश्चन है हमारा 42। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 43। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है, यह आपकी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी रुड़की, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 44। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कैसा होता है, ये होता है समक्रांतिक, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 45। लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो ये थे आपके टी एच मैमेन। क्वेश्चन है हमारा 46। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना सोनार, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला 47। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना यह है आपका सोनार, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 48। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यथावत रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। ठीक है, डी ऑप्शन 48 में सही है। क्वेश्चन है आपका 49। स्थिर विद्युत आप अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषक को, 49 में आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 50। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंग प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन है आपका 51। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, विद्युत मोटर बनाने के लिए, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 52। उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है, तो याद रखना ये होगी आपकी रबर की शील्ड। क्वेश्चन है हमारा 53। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है इसका परिणामी ध्रुव, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 54। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 55। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर कहाँ स्थित हैं,
मथुरा में है, याद रखिए। लेकिन ये पता नहीं कैसे फिजिक्स में शामिल हो गया, गलती से डल गया होगा, ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर आपके मथुरा में हैं। प्रदेश का शाकंभरी देवी का मंदिर किस जिले में है उत्तर प्रदेश का, तो ये भी आपको याद रख लेना अगर सहारनपुर में है। क्वेश्चन 57, बिल्वेश्वर नाथ मंदिर का मंदिर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है, तो याद रखना है आपको मेरठ में है, ये कहाँ है, मेरठ में। क्वेश्चन है आपका 58, प्रसिद्ध बाबा ओगड़नाथ का मंदिर प्रदेश के किस शहर में है, तो ये आपका मेरठ में है, कहाँ है, मेरठ में। क्वेश्चन है आपका, मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है, तो ये भी आपका मेरठ में। चलिए, उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। क्वेश्चन है हमारा 60, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ये आपका जस्ता, क्या है, बी ऑप्शन 60 में सही है। क्वेश्चन है हमारा 61, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना बढ़ जाता है। सॉरी, क्या पूछ रहा है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं, तो उसका घटता है ना कि बढ़ता है, क्या है, घटता है। याद रखिए, अगर कहीं मुझसे गलती हो जाती है कोई क्वेश्चन का आंसर बताने में, मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है कि सही बताया जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसका आंसर सही आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा, जिससे दूसरे से गलती ना हो, कोई दूसरा स्टूडेंट अगर उसे पढ़े तो उससे सही रहे, ठीक है। क्वेश्चन का नाम लिख दिया करिए और उसका आंसर। क्वेश्चन है हमारा 62, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन है आपका 63, निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, तो याद रखना बैटरी में, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। क्वेश्चन है हमारा 64, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 65, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं संधारित्र, ए ऑप्शन सही होगा इसमें, क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 66, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना धारिता, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 67, टैप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए, तो याद रखना चुम्बक के, ए ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन है आपका 68, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एम्पियर मीटर। क्वेश्चन है आपका 69, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 70, ट्रांजिस्टर के संविरचरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना सिलिकॉन का, किसका, सिलिकॉन का। क्वेश्चन है हमारा 71, तंतु के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट विकट होती है विद्युत ऊष्मा के रूप में, बी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन है 72। धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। 72 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 73। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो याद रखना ऑर्गन। बिजली के बल्ब में ऑर्गन भरा रहता है। क्वेश्चन है 74। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन से। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 75। ट्रांसफार्मर की कोर के लिए सर्वोत्तम द्रव है नरम लोहा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन होगा हमारा 75 अगला। बिजली के बल्ब में कि फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 में आपका क्या होगा? सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है हमारा 77। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एकक होता है या मात्रक? कूलाम। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 78। विद्युत दीर्घ दूरी तय तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है? ऊर्जा की कम हानि होती है। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका कारण ऊर्जा की कमी हानि होती है, इस कारण होता है। ठीक। क्वेश्चन है आपका 79। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं आर ए में एम आर एम एस मान को। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 80। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है आपका रेगुलेटर। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 81। क्या है क्वेश्चन है हमारा 81। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 82। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी विद्युत होती है धारा में। क्वेश्चन नंबर 82 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 83। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 84। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है दृष्टकारी द्वारा। 84 में आपका क्या होगा? सी ऑप्शन। 85। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे आपके चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 86। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा। क्वेश्चन है हमारा 87। बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वोल्टता धारा को भी प्रतिरोध को, यानी कि उपयुक्त सभी, इसमें सभी होगा। डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 88। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो याद रखना है ग्रेफाइट। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 89। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है जर्मेनियम। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 90। डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका डी होगा। क्वेश्चन है आपका 91। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है कॉपर। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 52।
निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र में उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? तो ये आपकी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वह युक्ति है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 93। धारावाहक वाहक तार कैसा होता है? न्यूट्रल। क्वेश्चन है हमारा 94। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? गैस प्लाज्मा नहीं है, छाया आच्छद है, फॉस्टर प्रपट है और इलेक्ट्रॉन गन है। तो इसमें क्या होगा 94 में? सी। क्वेश्चन है 95। अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? प्रतिरोध। 95 में आपका डी। क्वेश्चन है 96। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो यह आपकी चांदी। 96 में क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 97। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका ग्रेफाइट। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 98। ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके बारे में सही है? तो याद रखना चालक के। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 99। सिलिकॉन क्या है? यह एक चालक है। क्वेश्चन है हमारा 400। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है उपापचयन। सी ऑप्शन सही है। तो चलिए ये थे आपके लगभग 400 के करीब हम लोग क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं। 401 से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक।